हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेशन थ्री में देखने वाले हैं थ्योरम्स। ओके, मैंने इसके पहले बताया था हम लोग सेशन थ्री में सारे थ्योरम्स डिस्कस करने वाले इस लेसन के, जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ओके, तो आपको फोकस करना है। थ्योरम देखने से पहले आपको जो हमने फर्स्ट लेसन पढ़ा हुआ है, कौन सा है फर्स्ट लेसन? ज्योमेट्री में सिमिलैरिटी। ओके, सिमिलैरिटी के कुछ कंसेप्ट याद होने चाहिए अच्छे से। ठीक है, बार बार आप उसको रिकॉल कीजिए, आपको उसके सारे टेस्ट याद रहने चाहिए। सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए हमने फोर टेस्ट देखे हुए हैं। कौन कौन से थे वो फोर टेस्ट? एक था साइड 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 टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट, एंगल 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 टेस्ट, एंड द फोर्थ वन इज द एंगल एंगल टेस्ट। ठीक है, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, बट टेस्ट आपको याद रखने हैं। फोर टेस्ट थे। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट थ्योरम आता है सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, क्या है यहाँ पे? सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो सिमिलैरिटी, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको सिमिलैरिटी फर्स्ट लेसन अच्छे से आना चाहिए। सिमिलैरिटी मींस क्या था? हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में देखा हुआ था, क्या था सिमिलैरिटी? द फिगर विच इज ऑफ इक्वल शेप बट नॉट नेसेसरीली ऑफ इक्वल साइज। ठीक है, ऐसे फिगर जिनके शेप सेम होते हैं बट जरूरी नहीं है कि उनके साइज भी सेम हो, तो ऐसे फिगर्स को हम लोग बोलते हैं सिमिलर फिगर। तो सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल में क्या रिलेशन है हम लोग देखेंगे। तो उसका एक थ्योरम है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस देन द टू ट्राइंगल फॉर्म्ड आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मैं इसको आप सभी को इसका मीनिंग बताता हूं। यहां पे हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करके रखा हुआ है। ठीक है, यहां पे जो एंगल ए बी सी है यह है 90 डिग्री का। ठीक है, एंगल ए बी सी जो है वो है 90 डिग्री का, तो इस ट्राइंगल को हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। राइट, ओके, तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम लोग एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, दिख रहा है, दिस इज द एल्टीट्यूड। ठीक है, ये एल्टीट्यूड को हमने ड्रॉ किया हुआ है, किसके ऊपर ड्रॉ किया? हाइपोटेनियस के ऊपर। ओके, तो जब राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं हाइपोटेनियस के ऊपर, तो ये क्या करती है? देखिए, इस एल्टीट्यूड, ये जो बी डी है, इसके वजह से यहाँ पे दो और ट्राइंगल फॉर्म हो चुके हैं। कौन कौन से है वो दो ट्राइंगल? एक है ट्राइंगल बी डी ए, दिख रहा है, ट्राइंगल बी डी ए, या फिर इसको हम लोग ट्राइंगल ए डी बी भी बोल सकते हैं। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है? बी डी सी। ठीक है, एक ये ऊपर वाला ट्राइंगल दिख रहा है और एक ये दूसरा नीचे वाला ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल का थ्योरम क्या बोलता है? ये बोलता है अगर हम लोग एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं हाइपोटेनियस के ऊपर, दिस इज हाइपोटेनियस, तो अगर हम लोग एक एल्टीट्यूड हाइपोटेनियस के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है? देन द टू ट्राइंगल्स आर फॉर्म्ड, ये जो दो ट्राइंगल बने हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, इसको मैं ट्राइंगल वन बोल देता हूँ, इसको ट्राइंगल टू बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये जो दो ट्राइंगल बने हुए हैं ये ओरिजिनल ट्राइंगल से सिमिलर रहेंगे। ये क्या रहेंगे? ओरिजिनल ट्राइंगल से सिमिलर रहेंगे, और ये दो ट्राइंगल एक दूसरे से भी सिमिलर रहेंगे। ठीक है, तो सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल का थ्योरम यही बोलता है कि अगर हम लोग एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं हाइपोटेनियस के ऊपर, तो जो दो ट्राइंगल फॉर्म होते हैं, ये जो दो ट्राइंगल है ये ओरिजिनल ट्राइंगल से कैसे होते हैं? सिमिलर, और ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे से भी सिमिलर होते हैं। ठीक है, ऐसा थ्योरम बोलता है। कौन सा थ्योरम? सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, आगे बहुत से थ्योरम्स में, बहुत से क्वेश्चंस में ये काम आने वाला है। ओके, तो यार समझ रहा है आपको, ये चीज फोकस कीजिए। हमको ये प्रूफ करके बताना पड़ेगा। हम लोग ने, ठीक है, स्टेटमेंट तो देख लिया है बट इसको प्रूफ भी करना पड़ेगा, तो आइए हम लोग सब प्रूफ करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग प्रूफ के लिए क्या लिखते हैं? गिवन। ठीक है, गिवन पे आ जाइए। गिवन देख रहे हैं हम लोग, सबसे फर्स्ट कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है? ट्राइंगल ए बी सी, ये ओरिजिनल ट्राइंगल है। ओके, तो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, गिवन में हम लोग लिख रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री। ठीक है, हमको पता है ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, और एंगल बी कितना है यहाँ पे? 90 डिग्री। राइट, और क्या बोला है? एक एल्टीट्यूड है, किसके ऊपर ड्रॉ किया हुआ है उसको? हाइपोटेनियस के ऊपर। सो देयरफॉर वी कैन से दैट बी डी, एल्टीट्यूड कौन सा है? बी डी इज द एल्टीट्यूड, बी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। बी डी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? ए सी। ओके, अब ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर का साइन लगा देंगे 90 डिग्री का। ओके, तो इसका मेजर कितना है? 90 डिग्री। बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ओके, एंड सच दैट ए
डी सी, ठीक है। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, ये जो तीनों पॉइंट्स है ये कैसे कोलिनियर है, दिख रहा है कोलिनियर। इट मींस मैंने पहले ही बताया है कोलिनियर मतलब ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एक सिंगल लाइन, एक सेम लाइन में आता है, ठीक है। तो देख रहे हैं हम लोग एक सेम स्ट्रेट लाइन में आते हैं, इस पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर बोलते हैं, ओके। ये हमने गिवन लिख लिया, हमको प्रूफ क्या करना है, अभी मैंने बताया है टू प्रूफ, हमको प्रूफ करना है कि ये जो एल्टीट्यूड हमने हाइपोटेन्यूस के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, जिसके वजह से दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक ये ऊपर वाला ट्रायंगल ट्रायंगल ए डी बी और एक नीचे वाला ट्रायंगल ट्रायंगल बी डी सी, ठीक है। ये दोनों जो ट्रायंगल है ये ओरिजिनल ट्रायंगल से कैसे है सिमिलर है, ओके। और ये दो ट्रायंगल एक दूसरे से भी कैसे है सिमिलर है, ये हमको प्रूफ करना है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट टू प्रूव में हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ए डी बी, कौन सा ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। स्टेटमेंट देख लीजिए आप एक बार, देन द टू ट्राइंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर टू द ओरिजिनल, ओरिजिनल कौन सा है यहाँ पे ए बी सी, और टू ट्राइंगल्स कौन से फॉर्म हुए हैं ए डी बी हमने लिख दिया, तो हमको प्रूफ क्या करना है ए डी बी किसके सिमिलर है ए बी सी के, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा फॉर्म हुआ, दूसरा ट्राइंगल हुआ है बी डी सी, नीचे वाला ट्राइंगल, तो हम लोग बोलेंगे ट्राइंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है। ये जो दो ट्राइंगल फॉर्म हुए ये ओरिजिनल ट्राइंगल से सिमिलर है, ये हमको प्रूफ करना है। और लास्ट हमको क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे से भी सिमिलर है, देयरफॉर ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी, ये भी हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये जो प्रूफ हमने कहा से, ये स्टेटमेंट आप देख लेंगे आपको और अच्छे से समझ जाएगा, ओके। तो ये जो दो ट्राइंगल फॉर्म हुए थे ये दोनों आपस में भी सिमिलर रहेंगे, और ये दोनों ट्राइंगल ओरिजिनल ट्राइंगल से भी सिमिलर रहेंगे, यही हमको प्रूफ करना है, ओके। बहुत सिंपल सा थ्योरम है, आप सभी लोग फोकस कीजिएगा, प्रूफ करेंगे हम लोग वन बाय वन, ओके। प्रूफ, फर्स्ट हमको प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग बोलेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल कौन सा लेंगे ए बी सी, ठीक है। फर्स्ट वाला हम लोग प्रूफ कर रहे हैं ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ए डी बी दिख रहा है यहाँ पे ट्राइंगल, इसको अगर मैं अलग से ड्रॉ कर लूं, सिमिलैरिटी में हमने ये चीज बहुत बार किया हुआ है, देखिए यहाँ पे एंगल डी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, तो हमने ये 90 डिग्री बना दिया, ठीक है। मैंने बोला था ज्योमेट्री में हमारा इमेजिनेशन, हमारा विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी हम लोग कोई भी चीज इजीली कर सकते हैं, ओके। तो हम लोग देख रहे हैं एंगल डी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री हमने यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे क्या है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, ठीक है। हमने सिर्फ एक अलग से ड्रॉ किया हुआ है, ये आपके कन्वीनियंट के लिए है, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट इस तरीके से हम लोग जब ड्रॉ करते हैं तो इजीली करते हैं, ओके। तो देखते हैं ट्राइंगल ए डी बी तो हमने ड्रॉ कर लिया, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है ए बी सी, ठीक है। अब देखिए हमने सिमिलैरिटी में बहुत बार प्रूफ किया हुआ है दो ट्राइंगल सिमिलर कैसे होते हैं, तो हमने फोर टेस्ट देखे हुए हैं, तो उन्हीं टेस्ट का यूज करके हम लोग इस ट्राइंगल को भी सिमिलर बता सकते हैं, कैसे देखिएगा। ट्राइंगल ए डी बी, क्या मैं बोल सकता हूं एंगल डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ए सी, देखिए यहाँ पे अगर मैं ये ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, कौन सा ट्राइंगल ए डी बी और दूसरा ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो ये ए डी बी को हमने साइड में बनाया हुआ है, ए डी बी में भी एंगल ए दिख रहा है मुझे, और ए बी सी में भी एंगल कौन सा दिख रहा है ए, ठीक है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ए सी बोल सकते हैं, और इसका रीजन क्या आएगा कॉमन एंगल, इसका रीजन क्या आएगा कॉमन एंगल, राइट। बहुत सिंपल है, ये एक हो गया। अब देखिए फिर से एंगल ए डी बी में एंगल डी कितने डिग्री का दिख रहा है, 90 डिग्री का, और एंगल ए बी सी में भी देखिए कौन एंगल बी कितने डिग्री का दिख रहा है, 90 डिग्री का। तो क्या मैं बोल सकता हूं एंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी, बोल सकता हूँ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी, ठीक है। और इसका रीजन क्या आएगा, बोथ आर 90 डिग्री, दोनों कितने डिग्री के हैं 90 डिग्री। तो देख रहे हैं हम लोग
ये दोनों ट्राइंगल में हमने दो एंगल बता दिया कि कॉन्ग्रुएंट है, सो वी कैन से दैट देयरफॉर ट्राइंगल एडीबी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी, एंड बाय विच टेस्ट? तो हम लोग बोलेंगे बाय एंगल एंगल टेस्ट, बोल सकते हैं, और ये टेस्ट हमने बहुत बार देखा हुआ है. ओके, तो फिर से एक बार देख लेंगे. हम लोग ट्राइंगल एडीबी एंड एबीसी का बात कर रहे थे, तो एडीबी और एबीसी में फर्स्ट हमने देखा है दोनों में एंगल ए दिख रहा है, ठीक है, तो हमने लिख दिया डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ए सी, या फिर आप डायरेक्ट एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी लिख सकते हैं, और रीजन क्या है इसका? कॉमन एंगल. नेक्स्ट हमने देखा है ए डी बी में एंगल डी 90 डिग्री है, एंड ए बी सी में एंगल बी कितना है? 90 डिग्री, ठीक है, तो इट मीन्स ये दोनों एंगल भी कैसे, डी और बी कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और रीजन क्या आएगा? बोथ आर 90 डिग्री. अब हमको पता है जब किसी ट्राइंगल में दो एंगल सेम होते हैं, ठीक है, जब किसी ट्राइंगल में दो एंगल के मेजर सेम होते हैं, तो दोनों ट्राइंगल कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं, एंड बाय विच टेस्ट? बाय एंगल एंगल टेस्ट. ओके, ये हमने बहुत बार देखा हुआ है, राइट. तो हमने फर्स्ट वाला प्रूफ कर दिया, इसी तरीके से हम लोग सेकेंड भी प्रूफ करेंगे. सेकेंड प्रूफ की तरफ जाएंगे हम लोग. सेकेंड क्या बोल रहा है? बीडीसी प्रूफ कर, सिमिलर प्रूफ करना है एबीसी के. ओके, तो हम लोग लेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं? बीडीसी एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम लोग? एबीसी. ओके, इसके लिए अलग ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा. देखिए बीडीसी कहां पे दिख रहा है? ये बीडीसी दिख रहा है और ये एबीसी दिख रहा है. ओके, देखिए बीडीसी में भी एंगल सी दिख रहा है, एंड एबीसी में भी एंगल सी दिख रहा है, दिख रहा है, अगेन कॉमन एंगल आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल बीसीडी, एंगल बीसीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बीसीए, किसके कॉन्ग्रुएंट रहेगा? एंगल बी सी ए के, ठीक है, और रीजन क्या आएगा? कॉमन एंगल. रीजन क्या है इसका? कॉमन एंगल, राइट. ओके, फिर से देखिए हमने क्या बोला है, अगर हम लोग बी डी सी की बात करें, सिर्फ बी डी सी की बात करें, तो एंगल बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी ए बोल सकते हैं, ठीक है, और रीजन क्या आएगा? दोनों में कॉमन एंगल. ओके, फिर से ट्राइंगल बी डी सी की बात कर रहे हैं, ये 90 डिग्री दिख रहा है मुझे, एंगल डी कितना है? 90 डिग्री, तो क्या मैं बोल सकता हूं एंगल बी डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, और यहां पे 90 डिग्री कौन सा है? एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी, ठीक है, और इसका रीजन क्या आएगा? बोथ आर ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे. तो हमने पहले देखा है दोनों में एंगल सी थे, सेम थे, कॉमन थे, तो इसलिए दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. दूसरा हमने बोला है एंगल डी और एंगल बी भी कैसे है? कॉन्ग्रुएंट है, और रीजन क्या है? बोथ आर ऑफ 90 डिग्री. देयरफॉर वी कैन से दैट ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, एंड बाय विच टेस्ट? बाय एंगल एंगल टेस्ट. कौन सा टेस्ट है ये? बाय एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, राइट. तो बहुत सिंपल था ये, हमने सेकेंड वाला भी प्रूफ कर दिया है. अब हम लोग बात करेंगे थर्ड वाले की, ठीक है. तो ये जो हमने बोला है बाय, ये जो सिमिलर प्रूफ किया है, इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर वन. दिस इज इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू, ठीक है. तो आप वन एंड टू पे फोकस कीजिए अच्छे से, इक्वेशन वन एंड टू पे फोकस कीजिए. वन के राइट हैंड साइड में क्या है? एबीसी, और यहां पे भी क्या है? एबीसी, ठीक है, मतलब एडीबी सिमिलर है एबीसी से, एंड बी डी सी भी सिमिलर है एबीसी से, तो क्या मैं बोल सकता हूं? देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, दोनों ट्राइंगल किससे सिमिलर है? एबीसी से, ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं? देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ट्राइंगल एडीबी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बीडीसी, बोल सकते हैं हम लोग, जब हमको पता है एडीबी भी किसके सिमिलर है? एबीसी के, एंड बीडीसी भी किसके सिमिलर है? एबीसी के, इट मींस ये दोनों भी एक दूसरे से सिमिलर हो जाएंगे. देयरफॉर फ्रॉम वन एंड टू वी कैन से दैट ट्राइंगल
ट्रायंगल एडीबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीडीसी, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थर्ड वाला भी प्रूफ किया हुआ है, राइट। तो बहुत सिंपल थ्योरम था, क्या बोलता है, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल का थ्योरम। इफ द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन एट द हाइपोटेनियस, अगर हम लोग एल्टीट्यूड को हाइपोटेनियस पे ड्रॉ करते हैं, तो जो दो ट्रायंगल बनने वाले हैं वो ओरिजिनल ट्रायंगल से सिमिलर रहेंगे। तो हमने बोला है ये जो एडीबी सिमिलर टू एबीसी बोल दिया एंड बीडीसी सिमिलर टू एबीसी, और ये दोनों ट्रायंगल आपस में भी सिमिलर रहेंगे, देयरफॉर एडीबी सिमिलर टू बीडीसी, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट थ्योरम हम लोग देख रहे हैं, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके ऊपर के बहुत से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, एक्सरसाइज में भी हमको मिलने वाले हैं, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये थ्योरम प्रूफ करते टाइम इसके पहले वाला जो सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हमने देखा है, ठीक है, वो आपको याद रखना है, राइट। तो देखिए ये थ्योरम क्या बोलता है, ज्योमेट्रिक मीन। सबसे फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो वर्ड आया ज्योमेट्रिक मीन, यहाँ पे कुछ बच्चों को पता भी होगा, तो देखते हैं, जिसको नहीं पता उसके लिए हम लोग बता देते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं ये जो तीन नंबर्स है ए बी सी, ठीक है, अगर ये ए बी सी तीन नेचुरल नंबर है, कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं आप, अगर ये तीनों प्रपोर्शन में, इफ दे आर इन प्रपोर्शन ए इज टू बी इज टू सी, ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देयर फोर वी कैन से दैट ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यस, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, राइट। फिर इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो देयर फोर ए इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू बी, राइट। सो ए इंटू सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूं, बी बी जो रहेगा, बी इज द ज्योमेट्रिक मीन। बी क्या रहेगा, ज्योमेट्रिक मीन रहेगा किसका, ए एंड सी का। B इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब यही होता है कि अगर तीन कोई नंबर है, तीन कोई टर्म है, वो रेशियो में है, ठीक है, तो उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देयरफॉर ये जो नंबर आएगा हम लोग बोल सकते हैं B इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट याद रखना है आपको, हम लोग इसको यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, राइट। तो देखते हैं थ्योरम क्या बोलता है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट इनटू व्हिच द हाइपोटेनियस इज डिवाइडेड, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, अगर मैं एक परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ करता हूं हाइपोटेनियस के ऊपर, अगेन फिर से वैसे जो इसके पहले हमने देखा था, अगर मैं एक परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूं हाइपोटेनियस के ऊपर, तो ये जो सेगमेंट है, ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है, ये ज्योमेट्रिक मीन रहेगा पी एस एंड एस आर का। क्या रहेगा ये ज्योमेट्रिक मीन, पी एस एंड एस आर का, समझ रहे हैं। फिर से देखिए आप, हमने ज्योमेट्रिक मीन क्या बोला है, यहाँ पे देखिए बी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, ठीक है। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, अगर कोई एक ऐसे सेगमेंट है जो हाइपोटेनियस के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये सेगमेंट सेगमेंट कौन सा है, ये क्यू एस, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये पी आर के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये जो सेगमेंट है ये ज्योमेट्रिक मीन रहेगा किसका, पी एस एंड एस आर का, ठीक है। बोला है इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट इनटू व्हिच द हाइपोटेनियस इज डिवाइडेड, ठीक है। ये जो पूरा हाइपोटेनियस है ये डिवाइड कौन दो पार्ट में हुआ है, कौन कौन से दो पार्ट है, पी एस एंड एस आर। तो ये जो क्यू एस है, ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है, ये क्या रहेगा, ज्योमेट्रिक मीन रहेगा किसका, जिसमें हाइपोटेनियस डिवाइडेड है। तो कौन से दो पार्ट में डिवाइडेड है, पी एस एंड एस आर में डिवाइडेड है, ओके। तो देखना है, हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। ये जो मैं छोटी छोटी चीजें बताता हूँ ये आप सभी को नोट करना है, काम आएगी आप सभी के, राइट। तो देखते हैं हम लोग प्रूफ करना है, प्रूफ करने के लिए सबसे फर्स्ट हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन, राइट, गिवन लिखेंगे हम लोग। देखिएगा सभी, गिवन में अगर आप बुक देखते हैं तो बुक में गिवन और प्रूफ लिखा नहीं है, बट हम लोग लिख रहे हैं कि आपको इजीली समझेगा। तो गिवन में हमको क्या लिखना है, ट्रायंगल मुझे कौन सा दिख रहा है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके, कौन सा ट्रायंगल है, पी क्यू आर। अगेन वी कैन से दैट क्यू एस इज परपेंडिकुलर टू पी आर, क्यू एस किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, पी आर के ऊपर, राइट। ये हमने गिवन लिखा है, हमको प्रूफ क्या करना है, तो हम लोग लिखेंगे टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है, क्या बोला है, प्रूफ द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस, ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है किसके
किसके ऊपर परपेंडिकुलर है ये? हाइपोटेनियस के ऊपर। तो ये सेगमेंट ज्योमेट्रिक मीन है किसका? पीएस एंड एसआर का। तो टू प्रूफ हम लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर सेगमेंट कौन सा है? क्यूएस। क्यूएस इज द ज्योमेट्रिक मीन। क्यूएस क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है। किसका ज्योमेट्रिक मीन है? पीएस एंड एसआर का। ये हमको प्रूफ करना है, पीएस एंड एसआर। ओके, ये आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं दिया हुआ है, बट आप इसी तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको इन फ्यूचर अच्छे से समझेगा सब चीजें। तो ये हमको प्रूफ करना है कि ये जो क्यू एस है ये ज्योमेट्रिक मीन है किसका? पी एस एंड एस आर का, राइट? तो हम लोग प्रूफ करेंगे अभी, बहुत इजी सा थ्योरम है। अभी मैंने आपको एक थ्योरम बताया इसके जस्ट पहले, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है? तो हमने क्या देखा था, इफ द एल्टीट्यूड ड्रॉन एट द हाइपोटेनियस, अगर हम लोग कोई एक एल्टीट्यूड को ड्रॉ कर रहे हैं हाइपोटेनियस के ऊपर, तो यहाँ पे दो ट्राइंगल फॉर्म होते हैं। तो ये जो दो ट्राइंगल फॉर्म होते हैं, ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल और ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है, वो ओरिजिनल ट्राइंगल से सिमिलर होते हैं, और ये दोनों ट्राइंगल आपस में भी कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। अभी हमने देखा है जस्ट 2 मिनट्स अगो। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के ऊपर है, तो ये जो दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, ये ट्राइंगल कैसे रहेंगे? ये दोनों ट्राइंगल रहेंगे सिमिलर। सो देयरफॉर वी कैन से दैट ट्राइंगल क्यू एस आर, ट्राइंगल क्यू एस आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एस क्यू, इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एस क्यू, ठीक है? तो ये जो सेगमेंट ड्रॉ था, इसकी वजह से दो ट्राइंगल बन रहे हैं, और दोनों ट्राइंगल कैसे रहेंगे? सिमिलर रहेंगे। और ये अब भी हमने जस्ट देखा है, तो यहाँ पे हम लोग रीजन क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ओके, ये इसका रीजन आएगा, राइट? अब भी जस्ट हमने देखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट लेसन पे थोड़ा जंप करना है। वहां पे हमने बोला है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है, जब दो ट्राइंगल सिमिलर रहते हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। हमने याद आ रहा होगा आप सभी को, जब दो ट्राइंगल सिमिलर रहते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो कैसे रहते हैं? इक्वल रहते हैं। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं, अगर ट्राइंगल क्यू एस आर इज सिमिलर टू पी एस क्यू है, तो क्या मैं बोल सकता हूं क्यू एस अपॉन पी एस, क्यू एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एस आर अपॉन एस क्यू, एस आर अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी क्यू, इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी क्यू बोल सकते हैं हम लोग। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो देख रहे हैं हम लोग, तो देयरफॉर वी कैन से दैट क्यू एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एस आर अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी क्यू, राइट? तो हमको प्रूफ क्या करना है, क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर, तो इसका हमको काम नहीं है, ठीक है? सिर्फ हम लोग ये दो टर्म पे फोकस करेंगे। इसको मैं प्रॉपर अरेंज करके लिख लेता हूं, क्यू एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एस आर अपॉन, इसको हम लोग क्यू एस लिख लेते हैं, राइट? एस क्यू को हमने क्या लिखा हुआ है? क्यू एस। ओके, यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये क्यू एस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ पे। ओके, सो क्यू एस इंटू क्यू एस क्या हो जाएगा, ये क्यू एस स्क्वायर, एंड यहाँ पे ये पी एस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा पी एस इंटू एस आर, ठीक है? तो देख रहे हैं हम लोग, क्या मैं बोल सकता हूं, देयरफॉर वी कैन से दैट क्यू एस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ पी एस एंड एस आर, ठीक है? अभी हमने देखा था, ये जो रेशियो देखे थे हमने, ए इज टू बी इज टू सी वाला रेशियो देखे थे, तो इसको हमने ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी लिखे थे। तो यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखे थे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी आता था, तो हमने बोला था बी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, देयरफॉर वी कैन से दैट क्यू एस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ पी एस एंड एस आर, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर क्यू एस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ पी एस ऑफ सेगमेंट पी एस एंड सेगमेंट एस आर, राइट? और यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम लोग सेगमेंट क्यू एस। ओके, तो यही हमको प्रूफ करना था। तो एज अ फॉर्मूला आपको याद रखना है, ऐसे हमको बहुत से प्रैक्टिस सेट में बहुत से क्वेश्चन आएंगे कि हमको ये वैल्यू हो सकता है, ये एक वैल्यू गिवन हो और ये एक वैल्यू गिवन है, हमको ये फाइंड करना है। तो हम लोग ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्यू एस स्क्वायर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ पी एस
एंड एस आर, इसी तरीके से राइट। तो नेक्स्ट हमारा थ्योरम आता है पाइथागोरस थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट थ्योरम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसी थ्योरम के ऊपर इसी लेसन का नाम दिया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमने जो आज फर्स्ट वाला थ्योरम देखा हुआ था, कौन सा, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल राइट, तो ये थ्योरम आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप ये पाइथागोरस थ्योरम को इजीली कर सकते हैं राइट। बहुत सिंपल सा थ्योरम है, आपको इसे फोकस करना है। ऑलरेडी हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, तो हमने बोला था द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, ठीक है। और कौन से ट्राइंगल में लगता है ये, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल राइट। तो स्टेटमेंट सभी को पता है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है कोई एक, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो क्या बोलता है स्टेटमेंट, हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या रहेगा, रिमेनिंग टू साइड्स के, जैसे पी क्यू प्लस क्यू आर, इनके स्क्वायर के सम के इक्वल रहेगा राइट। तो यही है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो इसी तरीके से आपको याद रखना है स्टेटमेंट, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे, अभी तक हमने सारे थ्योरम्स प्रूफ किया है, इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए सबसे फर्स्ट गिवन लिखेंगे हम लोग, ठीक है। गिवन क्या लिखेंगे, मैंने इसके पहले भी बहुत बार बताया हुआ है, गिवन जो हमको फिगर में दिख रहा है वही चीज हमको लिखना है राइट। तो हम लोग देखेंगे गिवन में, इन ट्राइंगल ए बी सी, कौन सा ट्राइंगल है यहाँ पे, ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए बी सी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, दिख रहा है एंगल ए बी सी कितना है, 90 डिग्री राइट। नेक्स्ट हमको प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, टू प्रूफ स्टेटमेंट को देख लीजिए एक बार, प्रूफ क्या करना है हमको, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस कौन सी रहती है, जो 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड होता है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो रिमेनिंग टू साइड्स कौन सा है, एक है ए बी और दूसरा कौन सा है, बी सी, देयरफॉर ए बी इसका स्क्वायर एंड बी सी का स्क्वायर, ठीक है, यही हमको प्रूफ करना है राइट। सभी को पता है ये। ओके नेक्स्ट, यहां पे हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉ सेगमेंट बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। हम लोग एक सेगमेंट बी डी ड्रॉ कर रहे हैं, किसके ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, ए सी के ऊपर, ठीक है, और वो कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो यहां पे हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, इसको सिर्फ हम लोग नाम दे देंगे पॉइंट डी राइट। और ये परपेंडिकुलर है, इट मीन ये कितने डिग्री का रहेगा, 90 डिग्री का राइट। तो जो कंस्ट्रक्शन करता है आप उसको डॉटेड लाइन से शो करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या किया हुआ है, बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी इज द कंस्ट्रक्शन। ओके, तो हम लोग प्रूफ की ओर बढ़ते हैं, आपको इसी तरीके से स्टेप्स फॉलो करनी है, बहुत सिंपल वे। ओके, प्रूफ देखिए, इसके पहले के दोनों थ्योरम में मैंने एक ही चीज बहुत बार रिपीट किया हुआ है कि इफ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनियस, अगर ये लाइन हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये जो दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, कौन कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए डी बी और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, बी डी सी, ये दोनों ट्राइंगल कैसे रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे से सिमिलर तो रहेंगे ही, और साथ ही साथ ये दोनों ट्राइंगल इस ओरिजिनल ट्राइंगल से भी कैसे रहेंगे, सिमिलर। अभी हमने फर्स्ट थ्योरम में देखा है सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, सो देयरफॉर वी कैन से दैट, क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ये किससे सिमिलर रहेगा, ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी, और ये जो ए डी बी है ये किससे सिमिलर है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये सिमिलर है ट्राइंगल बी डी सी से, ट्राइंगल बी डी सी। और इसका रीजन हम लोग क्या लिखने वाले हैं, तो अभी हमने बोला है सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ओके, यही आपको रीजन लिखना है राइट। अभी हमने बोला था
कि अगर एक सेगमेंट है, एक एल्टीट्यूड है जो एसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये जो दो ट्रायंगल फॉर्म होते हैं ये एक दूसरे से तो सिमिलर होते ही है, और साथ में ओरिजिनल ट्रायंगल से भी सिमिलर होता है। तो हमने लिख दिया देयरफॉर ए बी सी सिमिलर टू ए डी बी सिमिलर टू बी डी सी, और रीजन भी हमने यहाँ पे लिख दिया है, राइट। इसी तरीके से आपको भी करना है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारे पास तीनों ट्राइंगल सिमिलर है पता चल गया है, तो हम लोग पेयर बना लेंगे। पेयर किस तरीके से बनाएंगे देखेंगे। पहले मैं पेयर बनाता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है। कौन कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग, ए बी सी एंड ए डी बी, और यहां पे हम लोग ले लेंगे नेक्स्ट इन ट्राइंगल, दूसरा से पेयर बना लेंगे ए बी सी एंड बी डी सी का, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी, ठीक है। दो पेयर बना लिए हमने, ये हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी किससे सिमिलर है, ए डी बी से, और ए बी सी ही सिमिलर किससे है, बी डी सी से। तो हमने ये दो पेयर लिख लिया, ठीक है। तो फोकस कीजिए यहाँ पे, वी नो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है, ये हमको पता है। यहाँ पे हमने बोल दिया है ए बी सी किससे सिमिलर है, ए डी बी से सिमिलर है, राइट। अब देखिए, अभी मैंने बोला था अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शन, राइट। तो हम लोग बोलेंगे अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स रहेंगे, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ओके, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ए बी अपॉन ए डी बोल सकता हूं मैं, यहां से ये ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू, सेकेंड पेयर कौन सा है, बी सी अपॉन डी बी, बी सी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। और यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, करस्पॉन्डिंग साइड, रीजन क्या है यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, ये फर्स्ट और ये थर्ड वाला पेयर उठा रहा हूं, ठीक है। ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, मैंने फर्स्ट और थर्ड ही क्यों सिलेक्ट किया हुआ है, देखिए अगर मैं ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो यहां पे मुझे सेम टर्म दिखते हैं, इसलिए मैंने कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है, ए बी अपॉन ए डी एंड ए सी अपॉन ए बी। तो दिख रहा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे सेम टर्म दिख रहा है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, ए बी ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, हो जाएगा ऐसा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर वन। इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इक्वेशन नंबर वन, राइट। ओके, सिंपल द चीज। नेक्स्ट यहाँ पे आइए सेकेंड पेयर पे, हमको बताया इन ट्राइंगल ए बी सी एंड बी डी सी, वी नो दैट ए बी सी और बी डी सी कैसे है, सिमिलर है, तो हम लोग बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी, ठीक है। अगेन दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, इट मीन्स इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूं, देयरफॉर ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी, बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। ओके, ये हमने लिख लिया। अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, अब मैं ये दोनों पेयर सिलेक्ट कर रहा हूं। अब आपको समझ आ गया होगा मैंने ये दोनों पेयर सिलेक्ट क्यों किया है, कि जब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मुझे यहाँ पे सेम टर्म दिखने वाले, सेम साइड्स दिखने वाले, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, राइट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या होगा, ये बी सी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ए सी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। सो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी लिख सकते हैं ऐसे हम लोग, और इसको हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर टू, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, ठीक है, राइट। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू दोनों आ गया, प्रूफ क्या करना है मुझे, ए बी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही प्रूफ करना है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए बी स्क्वायर, इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, बी सी स्क्वायर, ठीक है। और दोनों कैसे होने चाहिए, प्लस, इट मीन्स
मुझे इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा एडिंग एडिंग इक्वेशन वन एंड टू। ओके, इक्वेशन वन एंड टू को हम लोग ऐड कर रहे हैं, राइट। तो देखिए दो इक्वेशन का एडिशन कैसे हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म लेफ्ट हैंड साइड से ऐड हो जाएंगे एंड राइट हैंड साइड वाले टर्म राइट हैंड साइड से ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ए बी स्क्वायर और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। एडिंग कर रहे हैं इक्वेशन वन एंड टू को, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड से एड हो जाएंगे, ठीक है, और राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड से। तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे दिख रहा है ए सी इंटू ए डी, क्या दिख रहा है यहाँ पे ए सी इंटू ए डी, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस ए सी इंटू डी सी, ए सी इंटू डी सी। समझ रहा है इतना चीज, एडिंग इतना ही सिंपल होता है। इफ अगर अगर हम लोग कोई दो इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा एंड राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड से। ओके ठीक है, यहाँ पे आइए देखिए, यहाँ पे ये पूरे टर्म में दोनों में मुझे एसी और एसी कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है क्या, दोनों में एसी कॉमन दिख रहा है। तो यहां से क्या मैं एसी कॉमन ले सकता हूं, एसी मैंने कॉमन ले लिया तो बचा क्या है यहाँ पे एडी और साइन कौन सा है प्लस, और यहाँ पे क्या बचा है डीसी। ओके इज इक्वल टू, इसको एज इट इज लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट, बहुत सिंपल है। वहां से हमने क्या किया हुआ है एसी को कॉमन लिया हुआ है, ओके राइट। यहां पे देखिए एडी प्लस डीसी, फिगर पे आइए आप, एडी प्लस डीसी, क्या मैं एडी प्लस डीसी को एसी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं क्या, एडी प्लस डीसी दोनों मिला के क्या बन रहा है एसी, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा, ध्यान से देखिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एसी तो एज इट इज था, इनटू एडी प्लस डीसी, एडी प्लस डीसी मिलके क्या बनता है एसी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे एसी, और इसका रीजन लिखेंगे एडीसी, ठीक है। इट मीन्स ये तीनों पॉइंट्स कैसे है, कोलिनियर है एक ही लाइन में, राइट। तो देखते हैं यहाँ पे ए बी, देयरफोर देयरफोर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी इंटू एसी, क्या हो जाएगा एसी स्क्वायर, ठीक है। और क्या मुझे यही प्रूफ करना था, देखिए एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इट मीन द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, यही हमको प्रूफ करना था, एंड दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम, राइट। बहुत सिंपल थ्योरम था, एक हम लोग शॉर्ट रिकॉल कर लेंगे। तो कैसे, स्टेटमेंट तो आप सभी को पता है, एक ट्राइंगल हमने बनाया है ए बी सी, तो गिवन में हमने लिखा है इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री, राइट। हमको प्रूफ क्या करना है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, तो हमने लिख दिया। ओके, कंस्ट्रक्शन क्या किया हुआ है, बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी, इतना हो गया। अब मुझे पता है ये जो सेगमेंट जो हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इसके वजह से जो दो ट्राइंगल बनते हैं, ये दो ट्राइंगल आपस में तो सिमिलर होते ही है और ये ओरिजिनल ट्राइंगल से भी सिमिलर होते हैं। देयरफॉर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी, ठीक है। फिर हमने क्या किया हुआ है, पेयर बना लिया, पहले ए बी सी का पेयर ए डी बी के साथ बनाया, फिर ए बी सी का पेयर बी डी सी के साथ बनाया, ठीक है। वी नो दैट ए बी सी और ए डी बी सिमिलर है, तो उनके साइड्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी कैसे रहेंगे इक्वल, तो हमने लिख दिया यहाँ पे रेशियो। और फिर हमने देखा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे जो सिमिलर वाला टर्म आएगा उसको हमने सिलेक्ट किया है, तो यहाँ से फर्स्ट और थर्ड को सिलेक्ट किया हुआ है, तो हमको क्या मिल रहा है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, दिस इज इक्वेशन नंबर वन, राइट। नेक्स्ट, फिर हमने क्या किया हुआ है, ये दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर है, इट मीन्स इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी सिमिलर रहेंगे। फिर हम लोग देख रहे हैं ये दो साइड्स, ये दो हमने रेशियो को सिलेक्ट किया हुआ है, क्यों, क्योंकि जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे मुझे सेम टर्म मिलने वाला है, देयरफॉर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, सॉरी डीसी, राइट, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। तो हमने नेक्स्ट क्या किया हुआ है, इक्वेशन वन और टू को ऐड किया हुआ है। वन और टू को ऐड कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होंगे एंड राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड से, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे ए बी स्क्वायर था और यहाँ पे क्या था बी सी स्क्वायर, देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या था ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी, राइट।
देख रहे हैं हम लोग दोनों में से एसी कॉमन है, बचा क्या है, एडी प्लस डीसी बचा है। एंड वी नो दैट एडी प्लस डीसी ही क्या होता है, एसी। देयरफॉर हमने एडी प्लस डीसी के प्लेस में लिखा हुआ है एसी। ओके, एंड एसी इनटू एसी क्या होता है, एसी स्क्वायर। सो वी कैन से दैट द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। दिस इज आवर पाइथागोरस थ्योरम, जो बहुत सिंपल है। ओके, तो आज हमने जितने थ्योरम्स देखे हैं, तीनों थ्योरम्स आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है, कंटिन्यूस उसको रिकॉल करते रहना है, क्योंकि यही थ्योरम्स के ऊपर से क्वेश्चंस रिलेटेड है प्रैक्टिस सेट 2.1 में। ओके,